गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। हम जो चर्चा कर रहे थे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर के हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी, और जैसे कि आप सबको मालूम है हम कोर्स नंबर 15 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ये चर्चाएँ लगातार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कर रहे हैं। आज की हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम आपके लिए बताएं कि हमने श्वसन की कार्यकी, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में समझा था, किस प्रकार से इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की जो क्रियाविधि होती है वो संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त हमने ये जानने का प्रयास किया था कि कौन कौन से सहायक श्वसन अंग हमारी बॉडी के अंतर्गत पाए जाते हैं, चाहे नाक है, चाहे इसको हमने नासा मार्ग के नाम से बताया था, इसके अलावा दृष्टि है, कंठ है, और ट्रेकिया के ऊपर जाके बात हमारी समाप्त हुई थी पिछली क्लास के अंदर कि जो ट्रेकिया है उसके अंदर किस प्रकार की संरचना होती है, किस प्रकार से वह ब्रांचों में बटा हुआ रहता है जैसे ही वो बच्चे गुहा के अंदर प्रवेश करता है। आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो वहीं से आगे प्रारंभ होता है। हम बात करते हैं, ये है, इसको बोलते हैं श्वसनी प्रेक्षक या रेस्पिरेटरी ट्री, या इसी को बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ट्रेकिया क्या होती है, आगे चलकर के कुछ हिस्सों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। ट्रेकिया जब आगे चलती है तो ये कुछ कुछ अलग अलग छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ती हुई चली जाती है, जिसमें से पहली जब शाखा बनती है तो प्राइमरी ब्रोंकस बनता है, प्राथमिक ब्रोंकस बनता है, उसके बाद जब आगे चलती है तो सेकेंडरी ब्रोंकस बनेगा। इनका कारण क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकस हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद आगे चलेगा और ये मुड़ जाएगा टर्शियरी ब्रोंकस या तृतीय, इसकी को बोलते हैं सेगमेंट के नाम से। ये जो पार्ट है इनको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है कि ट्रेकिया का जो हिस्सा है, जो ट्रेकिया है वो आगे चल करके बच्चे गुहा में जैसे प्रवेश करती है वो कुछ हिस्सों में आगे ब्रांच हो जाती है, शाखित हो जाती है। तो ये क्या है, ये हम बात करेंगे आगे, ब्रोंकियल का भाग है और इसमें हमने बताया नहीं है, यहाँ से ऊपर के जो तीन हिस्से हैं ट्रेकिया जो जाती है प्राथमिक में, द्वितीयक और तृतीयक। यहाँ तक क्या होता है कि इन हिस्सों में जब ब्रोंकस या सॉरी ट्रेकिया आगे बढ़ती है तो ये आप समझिए कि ये क्या होते हैं, एयर पासेज होते हैं। ये एयर पासेज है, वायु के मार्ग हैं, इनके माध्यम से वायु आगे कहाँ तक जाएगी, वो लंग्स तक आगे जाएगी, वायु लंग्स तक आगे जाएगी। हम रेस्पिरेटरी ट्री में इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि लंग्स की हम बात कर रहे हैं, इस आगे बताएंगे हम आगे कि फेफड़े कैसे होते हैं, कितने प्रकार कैसे होते हैं, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है, ये लंग्स के आंतरिक संरचना ही यहाँ अपने डायग्राम में बनाई हुई है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ट्रेकिया से होती हुई वायु जो होती है वो एयर पासेस होते हैं, वायु के मार्ग होते हैं, उनसे होती हुई कहाँ जाती है, हमारे लंग्स तक पहुँचती है, तो उस तक का जो मार्ग है वो श्वसनीय प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेकिया बॉडी के अंदर जैसे प्रवेश करती है बच्चे गुहा के अंतर्गत, वो भागों में विभक्त हो जाती है, शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उन्हीं शाखाओं को प्राथमिक शाखा, द्वितीयक शाखा, तृतीयक शाखा के नाम से हम जानते हैं। यहाँ तक क्या होता है, उपास्थि के छल्ले उपस्थित होते हैं, यहाँ तक क्या होंगे, उपास्थि के छल्ले उपस्थित होंगे, और उपास्थि के छल्ले किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के उपास्थि के छल्ले हैं जो यहाँ पर उपस्थित होंगे। यहाँ से आगे के बाद जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ से इस संरचना से ये ब्रोंकियल, ये स्मॉलर से स्मॉलर पार्ट हो जाता है, ये स्मॉलर पार्ट है वही एयर पासेस का। तो यहाँ ये ब्रोंकियल्स में जब आता है तो ब्रोंकियल्स से लेकर के टर्मिनल रेस्पिरेटरी से लेकर के और आगे तक का हिस्सा जो होता है ब्रोंकियल और इसकी जो शाखाएं हैं यहाँ पर उपस्थिति के छल्ले अनुपस्थित होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है।
उपस्थिति के चलने अनुपस्थित होंगे ब्रोंकियल से लेकर के इसकी शाखाओं में। अब ये ब्रोंकियल से जो जाएगा ये पसिस कैसे हो रही है, ट्रेकिया से प्राकृतिक से होती हुई फिर आएगा ब्रोंकियल पर, उसके बाद आएगा रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी के बाद टर्मिनल, और टर्मिनल से होते हुए यहाँ आगे चलते हैं कि टर्मिनल से जब आगे जाएगा तो ये एल्विओली डक्ट होती है, गुटका की नलिकाएं होती हैं उनमें जाएगा, उसके बाद गुटका के कोशों में जाएगा, और फिर ये अंत में ये गुटकाओं में क्या होती है वायु प्रवेश करती है, एल्विओली तक वायु जाती है। इसी को हम श्वसनी सतह के नाम से जानते हैं, इसी को हम श्वसनी सतह के नाम से जानते हैं एल्विओली को, और इसी को हम श्वसन की इकाई भी कहते हैं, और इसी को हम फेफड़े की इकाई भी कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि गैसों का जो आदान प्रदान का कार्य होता है, जो गैसों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन का कार्य होता है, वो कहाँ होता है, गुटिकाओं में संपन्न होता है, ये हम ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम, क्योंकि हमने सहायक श्वसन अंगों के बारे में चर्चा की थी अभी तक, मुख्य श्वसन अंग के बारे में हमने चर्चा नहीं की। मुख्य श्वसन अंग कौन से होते हैं, मुख्य श्वसन अंग ऐसे श्वसन अंग होते हैं जहाँ पर श्वसन के हेतु क्या पाई जाती है, श्वसन के क्षेत्र पाए जाते हैं, श्वसन स्थल पाए जाते हैं, या श्वसनी सतह यहाँ प्रेजेंट होती है, समझ रहे हो तब, तो जिनमें श्वसनी की सतह उपस्थित रहती है, ऐसे अंग जिनमें श्वसनी सतह उपस्थित रहती है उनको क्या बोलेंगे हम, मुख्य श्वसनांग या मौलिक श्वसनांग। तो हमारी बॉडी के अंदर श्वसनी सतह कहाँ पाई जा रही है, अभी हमने आपको बताया है, चर्चा की है, श्वसनी सतह पाई जा रही है कहाँ पर, फेफड़ों पर। अब फेफड़ों की हम बात करते हैं कि फेफड़ों की कितनी संख्या होती है, क्या इनकी स्ट्रक्चर होती है, तो फेफड़ों की हम बात कर रहे हैं, फेफड़ों की संख्या में कितने होते हैं, फेफड़े दो होते हैं, रंग इनका गुलाबी होता है, और यदि इनकी हम अवस्थाओं की बात करें तो कैसी होती हैं, सघन होते हैं, ठोस होते हैं, लचीले होते हैं, और एक विशेष बात की ये क्या होते हैं, पेशी रहित होते हैं। ये हम ध्यान रखेंगे कि संख्या में हमेशा जो फेफड़े होते हैं दो होते हैं, और उनका रंग गुलाबी होता है, सघन ठोस अवस्था में रहते हैं, लचीले होते हैं, और पेशी रहित होते हैं, पेशियों का इसमें क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। अब बात कर रहे हैं कि इसकी हम संरचना की बात कर रहे हैं, फेफड़ों की इकाई को हमने क्या नाम दिया है, फेफड़ों की जो इकाई है उनको हमने नाम दिया है गुटिका, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एल्विओली। ये प्रश्न बनता है कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसकी संरचना कैसी कैसी होती है। तो फेफड़े बाया और दाए जो फेफड़े होते हैं, बाए फेफड़े में दो पाली होती हैं और दाए फेफड़े में तीन पाली होती हैं। सबसे बाहर की ओर हम जो बात कर रहे हैं इसकी, जो आंतरिक संरचना देखते हैं लंग्स की, तो जो बाहर की तरफ होती है वो होती है सल की उपकला। इसके बाद मध्य में जो होते हैं वो संयोजी ऊतक और रक्त केशिकाएं इसमें मौजूद होती हैं, संयोजी ऊतक और रक्त की केशिकाएं इसमें मौजूद होती हैं। आंतरिक जो बात कर रहे हैं कि आंतरिक जो उपकला होती है लंग्स की वो भी कैसी होती है, सल की उपकला होती है। कैसी होती है, सल की उपकला होती है। और कैसी होती है संरचना, छिद्रित होती है, इसके मतलब क्या होते हैं, इसमें छिद्र मौजूद होते हैं, आंतरिक संरचना में लंग्स के आंतरिक हिस्से में छिद्र उपस्थित रहते हैं। इन छिद्रों को कुहन नाम के वैज्ञानिक ने देखा था, उसके नाम पर कुहन के केंद्र के नाम से इनको जाना जाता है। ये हम ध्यान रखेंगे कि इनको कुहन के केंद्र के नाम से जाना जाता है। आगे हम इस पर चर्चा करें कि फेफड़ों की जो उत्पत्ति होती है वो हमेशा
मीजोडर्म से होती है, इसको हम मध्यम चर्म कह सकते हैं। मीजोडर्मल होती है, यदि उत्पत्ति आपका भी प्रश्न आता है कि फेफड़ों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो फेफड़ों की उत्पत्ति हमेशा कैसी होती है, मीजोडर्मल होती है। दूसरा, दो कोशिकाएं जो होती हैं जहाँ वो परस्पर आपस में मिलती हैं, दो एल्वियोली जहाँ पर आपस में जुड़ जाती हैं, उन स्थानों को, उन बिंदुओं को जहाँ पर आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, उन स्थानों को कैली करके, उन स्थानों को हम कैली करके केंद्रक के नाम से जानते हैं। ये विशेष बात है कि दो कोशिकाएं होती हैं जिन स्थानों पर आपस में जुड़ेंगी उन्हें कैली करके केंद्रक के नाम से जानते हैं, और कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही फेफड़ों की श्वसन सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि कोशिकाएं जो हैं फेफड़ों के अंदर उपस्थित हैं, श्वसन सतह का कार्य कर रही हैं, फेफड़ों की इकाई के तौर पर काम कर रही हैं, इसलिए श्वसन का जो क्षेत्रफल होता है, श्वसनी सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो अत्यधिक बढ़ जाता है किसमें, फेफड़ों में, क्योंकि वहाँ पर कोशिकाएं मौजूद रहती हैं। अब हम अगली बातचीत करते हैं, वो आती है बच्चीय गुहा परिसर की, थोरेसिक कैप जिसको कहते हैं बच्चीय गुहा की हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चीय गुहा जो होती है वो कैसी होगी। ये बच्चीय गुहा का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। पहली बात, ये वायुरोधी होती है क्योंकि इसमें देह गुहीय द्रव पाया जाता है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं तो पीछे की तरफ जो होता है वो कशेरुक दंड से जुड़ी रहती है, कशेरुक दंड से पृष्ठ सतह पर, अदर सतह पर डायग्राम में स्पष्ट है स्टर्नम से जुड़ी रहती है, जो मध्य का हिस्सा है आपको पहले समझा चुके हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ डायग्राम से जुड़ी रहती है, ये हम इस पर ध्यान रखेंगे, नीचे की तरफ किससे जुड़ी रहती है, डायग्राम से जुड़ी रहती है, और चारों ओर से किससे घिरी रहती है, पसलियों से घिरी हुई रहती है। चारों ओर किसके क्या रहती हैं, पसलियाँ होती हैं, और मनुष्य के अंदर आप पसलियों की संख्या जानते हैं कि मनुष्य के अंदर कितनी जोड़ी पसली पाई जाती हैं, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक जो दो पसलियाँ जो होती हैं उनके मध्य क्रॉस की आकृति की संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम पेशियाँ कहते हैं, जिनको हम इंटरकोस्टल मसल के नाम से जानते हैं। ये हम ध्यान देंगे कि प्रत्येक दो पसलियों के बीच क्रॉस के आकार की एक जोड़ी क्या पाई जा रही है, एक जोड़ी पेशियाँ पाई जाएंगी प्रत्येक दो पसलियों के मध्य में, इसलिए इनकी संख्या पेशियों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 11। मसल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 जोड़ी पेशियाँ होती हैं जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स के नाम से जानते हैं, और इनकी मुख्य भूमिका रहती है आईसीएम की। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनकी संवातन की क्रियाविधि में मुख्य भूमिका इंटरकोस्टल मसल्स की रहती है। अब इंटरकोस्टल मसल्स भी दो प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, दो प्रकार की ये मसल्स होती हैं। बच्चे गुहा के अंदर दोनों फेफड़े सुरक्षित रहते हैं, स्थित रहते हैं, और जिन्हें चारों तरफ से हमने बताया, जैसे कि इसमें क्या रहती है, देह गुहीय द्रव होता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होती है, वायु नहीं होती है, वायुरोधी संरचना ये होती है। अब डायाफ्राम की हम बात कर रहे हैं कि डायाफ्राम किसका बना होता है, अरीय पेशियों का बना हुआ होता है, अरीय पेशियों का बना हुआ होता है डायाफ्राम, रेडियल मसल्स का, और इसके मुख्यतः चार कार्य होते हैं। ये क्या कार्य करता है, एक्सक्रीटा का त्याग करने का कार्य करता है, यूरिन का त्याग करने का काम इसके माध्यम से किया जाता है, डायाग्राम के माध्यम से किया जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कार्य करता है, डिलीवरी के टाइम पर डायाग्राम का एक रोल रहता है जो 50% तक रहता है। इसके अलावा जो वेंटिलेशन की क्रियाविधि होती है उसमें डायाग्राम का रोल रहता है। ये हम जानते हैं कि क्या है, डायाग्राम का जो मुख्य रोल है, इंटरकोस्टल मसल्स का जो मुख्य रोल है वो किसमें रहेगा, वेंटिलेशन की क्रियाविधि में दोनों का रोल रहेगा। बच्चे गुहा का आयतन कम और ज़्यादा होगा बल्कि फैलने और सिकुड़ने से ही होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। अब बच्चे गुहा
का महत्व क्या है, सम्मातन की क्रिया किस प्रकार से होती है उस पर हम चर्चा करें कि बच्चे हमारे जो फेफड़े होते हैं उनकी विशेष बात होती है कि फेफड़ों में स्वयं फैलने पिछड़ने की क्षमता नहीं होती है। ये स्वयं में फैलने पिछड़ने की इनमें क्षमता फैलने पिछड़ने की क्षमता नहीं होती है। अब क्या होता है कि बच्चे गुआ जो होगी वो बच्चे गुआ जैसी फैलेगी और सिकुड़ेगी उसी के साथ साथ फेफड़े भी फैलते और सिकुड़ते जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना बच्चे गुआ के फैलने और सिकुड़ने पर डिपेंड करता है। जब बच्चे गुआ फैलती है, बच्चे गुआ फैलेगी तो फेफड़े भी क्या हो जाएंगे, वो फैलते हैं। इसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं, वायु अंदर की ओर प्रवेश करेगी। और जब बच्चे गुआ सिकुड़ेगी तो फेफड़े से लंग्स से जो वायु होती है वो बाहर की ओर आ जाएगी। इसे हम एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। दो शब्द हैं, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन। अब इसी में हम जानते हैं कि अंतर क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसमें परिवर्तन होता है। इंस्पिरेशन को ही हम क्या बोल देते हैं, निःश्वसन, और इसको बोल सकते हैं उच्च श्वसन या उच्च श्वसन एक्सप्रेशन। ये एक सक्रिय क्रिया होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये निष्क्रिय क्रिया होती है कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि स्टर्नम जो होता है इंस्पिरेशन के समय में क्या होता है, अदर सतह की ओर बढ़ जाती है। स्टर्नम जो है वो अदर सतह की ओर बाहर की ओर बढ़ जाती है। स्टर्नम जैसे आगे की ओर बढ़ेगी तो पसलियाँ भी बाहर की ओर आ जाएंगी। पसलियाँ जब बाहर की ओर आती हैं तो डायाफ्राम जो होता है उस पसलियाँ बाहर की ओर आएंगी तो डायाफ्राम की जो हरी है पेशियाँ हैं उनमें क्या होगा, संकुचन की क्रिया विधि होती है। संकुचन की क्रिया विधि होती है डायाफ्राम की हरी है पेशियों में। जब संकुचन होगा तो जो गुंबद होता है डायाफ्राम जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है बच्चे हुआ का जो गुंबद है तो गुंबद कैसे हो जाता है, चपटा हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बच्चे हुआ का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। बच्चे हुआ का आयतन बढ़ जाता है और लंग्स जो होते हैं वो फैल जाते हैं। लंग्स फैल जाते हैं, लंग्स फैल जाएंगे तो वायु कहाँ जाएगी, हवा कहाँ जाएगी, वायु उधर चली जाएगी अंदर लंग्स में जाएगी। इस क्रियाविधि को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, मतलब वायु का अंदर जाना जिसमें हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं। इसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन हम लेते हैं इस क्रियाविधि के अंदर, वो आता है 19.7% ऑक्सीजन हम लेते हैं, 0.4% हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसके अतिरिक्त 78% जो होते हैं वायुमंडल से नाइट्रोजन भी इसके साथ साथ अंदर ग्रहण करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ क्या होता है, इसमें विपरीत घटना होती है। एक्सप्रेशन की जब घटना होती है क्योंकि निष्क्रिय क्रिया विधि होती है, इसके टाइम पर क्या होता है, इसके समय क्या होगा कि स्टर्नम जो होता है वो अंदर की ओर चला जाता है जिससे कि पसलियाँ भी अंदर की ओर चली जाएंगी। यहाँ पसलियाँ इंस्पिरेशन जब होता है तो पसलियाँ बाहर की तरफ आती है क्योंकि स्टर्नम अंदर सतह की ओर फैल जाता है। इसमें स्टर्नम क्या होगा, एक्सप्रेशन की जब घटना होगी जब वायु बाहर निकलेगी पसलियाँ अंदर स्टर्नम अंदर तो क्या होगा, डायाफ्राम की अरिया जो पेशियाँ हैं उनमें संकुचन की जगह क्या हो जाएगा, शीतलन आ जाएगा। जैसी शीतलन की क्रिया विधि होगी, शीतलन की क्रिया विधि से क्या होता है कि गुंबद जो चपटा हुआ था वो नया कैसा हो जाएगा, गुंबद आकार का हो जाता है। गुंबद आकार का हो जाता है तो जो हम बात कर रहे थे कि वहाँ बच्चे गुआ का आयतन बढ़ रहा था, यहाँ बच्चे गुआ का आयतन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। बच्चे गुआ का आयतन कम हो जाएगा और बच्चे गुआ का आयतन कम और फेफड़े क्या हो जाएंगे, वहाँ फैल रहे थे यहाँ फेफड़े क्या करेंगे, सिकुड़ जाएंगे। यहाँ फेफड़े सिकुड़ेंगे तो वायु जो होती है वो फेफड़ों से बाहर आ जाएगी। इस क्रियाविधि में क्या होता है, इस क्रियाविधि में 16.7% ऑक्सीजन, 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और 78% क्या नाइट्रोजन बाहर आती है। ये हम ध्यान रखेंगे। इसमें कमी किसमें आई, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के द्वारा काम में ले ली गई, हीमोग्लोबिन के साथ बॉडी के अंदर डिजॉल्व हो गई, भोजन के निर्माण में आ गई, काम में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं कुछ विशेष बातों की कि बच्चे गुआ का जो आयतन कम और ज़्यादा हो रहा है
वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इंटरकोस्टल मसल्स की फैलने और सिकुड़ने पर, और डायाफ्राम के फैलने और सिकुड़ने पर डिपेंड करता है। हम बात करते हैं कि बच्ची गुहा के अंदर डायाफ्राम का रोल जो होता है वो 75% होता है, डायाफ्राम का रोल होता है 75% फैलने सिकुड़ने में, और इंटरकोस्टल मसल्स का होता है 25% सामान्य अवस्था में। जब हम बात करते हैं एक लेडीज है जो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर का डायाफ्राम का रोल कितना रह जाता है, वो 50% हो जाता है, 50% इसका हो जाता है और 50% इसका हो जाता है। ये विशेष बात होती है, ये बच्चे को आके फैलने से पहले की हम बात कर रहे हैं। सामान्य जो श्वसन हम करते हैं, नॉर्मल जो ब्रीथ हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं उदरीय संवातन, और जो गहरा संवातन होता है उसको हम बोलते हैं बच्चीय संवातन। क्या बोलते हैं? बच्चीय संवातन कहते हैं। और गहरे संवातन जब करेंगे तो डायाफ्राम का रोल कितना बढ़ जाएगा, 4-5% इसका रोल बढ़ जाता है, ये हम ध्यान रखेंगे। अब एक प्रश्न इसमें बनता है कि क्या हो यदि बच्चे गुहा में क्या कर दिया जाए, चाकू से छेद कर दिया जाए। तो बच्चे गुहा में यदि चाकू से छेद करेंगे तो क्या होगा कि फेफड़े जो होते हैं वो हमेशा के लिए सिकुड़ जाएंगे, और फेफड़े जब सिकुड़ेंगे तो वेंटिलेशन नहीं होगा, यशोक आदान प्रदान रुक जाएगा, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। पहली बार। अगली बार हम करते हैं कि जब हिचकी आती है, तीन घटनाएं हैं, हिचकी आना, वासी आना और छींक आना, तो इसमें कौन कौन सी, इंस्पिरेशन कौन सा है, एक्सप्रेशन कौन सा होगा? हिचकी की जो घटना होती है उसको हम बोलते हैं निश्वसन, इसका मतलब वायु अंदर जाती है। वासी की घटना, वासी की क्रिया विधि जब होती है, जब हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर हमारी कमी हो जाती है, वायु की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है वासी के अंतर्गत, तो इसमें होता है फास्ट इंस्पिरेशन, तेज निश्वसन होगा। और जब छींक आती है तो वायु बाहर निकलेगी, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये उदाहरण है, कई बार ये सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप इस सारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुने व समझें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।